सब्सक्राइब करो। स्वागत है बनी वैली की खूबसूरत हंसी माध्यम से। मैं इस वक्त जय सेवा के किनारे पर बैठा हुआ हूँ। आज मैं फिर रूबरू होता हूँ आपके सामने। पूरी रात हमारे बनी वैली में बारिश रही। पूरी कमलास मंदी धार, यह बहुत ही वसी इलाका है। लाखों किनार रकबा है हमारा इस बनी वैली में। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश पड़ी है पूरी रात। इस वक्त हमारे दरिया से में बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है। हमने कुछ शॉट्स लिए हैं, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। ये बच्चियाँ जो हैं गत विलेज से आती है, पंचायत भरमौता में पढ़ता है। ये बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लवांग में पढ़ती है। शाली देवी, पता लगता नीचे गिर जाएगी। ये पानी नदी नालों के जरिए इस दरिया सेवा में इकट्ठा होकर बहुत बड़ी नदी बनती है। आज तो बहुत ही पानी है इसमें। बच्चे डेली यहाँ पर क्रॉस होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे जो एकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। भरमौता से आते हैं। बालक का क्या नाम है? सूरज प्रकाश। रोजाना यहाँ से क्रॉस होते हैं? जी जी, यहीं से क्रॉस होता है। अच्छा, यहीं से क्रॉस होते हैं तो कितना डर लगता है आपको? डर तो बहुत लगता है। आज वैसे भी पानी बहुत चढ़ा हुआ है, आज रात को बड़ी बारिश हुई है तो बहुत ही डर लगता है हमें। ठीक है, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि यहाँ ब्रिज होना चाहिए। तो आपकी मांग जो है बिल्कुल जायज है। इस वक्त इतना पानी दरिया सेवा में हद से बढ़कर बच्चे डर चुके हैं। जब ये क्रॉस होते थे बिल्कुल इनका चेहरा जो है मुरझा जाता है। आम लोग जो हैं अपने खरीद उपरोक्त के लिए लवांग में जाते हैं, बनी वैली में जाते हैं। कोई मरीज हो तो वो भी यहीं से क्रॉस होता है। क्रेडल, इंग्लिश में क्रेडल कहते हैं, हम झूला भी कहते हैं, अंडोला भी कहते हैं, घुरु भी कहते हैं। जो आपको आसान लगे वो बात आप समझ सकते हैं। डेली बच्चे यहाँ पर क्रॉस होते हैं, भरमौता, डंडी घुटू, दोलका, रोलका, इसी घुरु से। बड़ी दिक्कत होती है कभी कभार, यहाँ पर परेशानी बढ़ जाती माँ बाप के लिए जब यहाँ पर क्रॉस होते हैं। चांदल से पीछे 4-5 साल पहले नुकसान हुआ था, इसी तरह वहाँ पर भी एक लेडीज क्रॉस हो रही थी, ऊपर से गिरकर नदी में बहकर एक हफ्ते के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। तो अभी बच्चे जो हैं क्रॉस हो रहे हैं, मैं आपको उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी आपके सामने रखता हूँ। डेली यहीं से क्रॉस होते हैं। तो आपकी दिक्कत है क्या, मांग क्या है आपकी? हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं हमारे साथ, उन्हें क्रॉस करना मुश्किल होता थोड़ा, तो हमारी पार्टी है कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। तो कभी कभार जो बच्चियाँ अकेले क्रॉस होती हैं तो ऐसा ना हो कहीं आनन फान कोई नुकसान ही हो जाए, तो तभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए ताकि किसी को कोई मुश्किल ना आए, कोई अनजान ना जाते इस रास्ते पर, तो उन्हें दिक्कत हो जाती है वहाँ आने की। तो 10 किलोमीटर है चांदल से नॉर्थ लवांग तक, कोई पुल नहीं है। इनकी जायज़ मांग है पुल होना चाहिए। हम भी यहाँ से क्रॉस होते हैं, लेडीज यहाँ पर, बुजुर्ग बच्चे क्रॉस होते हैं, किसी वक्त भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यहाँ जो मैं सामने नदी के किनारे पर बैठा हूँ, मेरे सामने यहाँ से कम 50 मीटर दूर पर 4-5 साल पहले एक लेडीज यहाँ पर क्रॉस कर रही थी, लवांग उसको जाना था, यहीं से वो बहकर ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर जायज़ बनता है, यहाँ पुल तो होना चाहिए, कम से कम पुल तो बने ही बने। बच्चों ने छोटे छोटे बच्चे जब क्रॉस होते हैं, कभी कभार अंदोला में, रूरू में, यहाँ पर जो रस्से में गांठ लग जाता है, उस वक्त बहुत ही परेशानी, ना आगे का रहता ना पीछे का रहता है। इसलिए गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि ये जायज़ मांग है, बच्चों की जायज़ मांग है, यहाँ पर पुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ सुबह से शाम तक कम से कम 150 से लेकर 200 लोग सुबह से लेकर शाम तक क्रॉस होते हैं। बहुत से एम्प्लॉयड जो अपने ड्यूटी जो देते हैं डंडी घुटू में, रोल का, धोल का, भरमौता, वो यहाँ से क्रॉस होते हैं।
लौटता पुल लौटता है गत में। इनको अगर यहाँ पुल ना मिला तो इनको 6 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता फिर इन लुवांग बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लुवांग में, तब तक क्लासे लग चुकी होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है, इनको खतरा होता है कहीं स्लाइड अगर आ जाए, क्योंकि दूर का सफर है इनको, कहीं स्लाइड कहीं पत्थर ऊपर पहाड़ों से गिरकर नीचे आ जाते हैं, तो माँ बाप जो होते बड़े दुखी हैं। चैनल जो है हिमालयन ब्लॉगर्स है, सब्सक्राइब लाइक्स कमेंट्स अपने दोस्तों में, वीडियो शेयर करें, यह आपके हाथ में।